2016 के कंपैरिजन में 2017 में हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है, बस अब लास्ट क्वार्टर संभाल लेना है। ये संभाल लिया तो बोनस हमारा पक्का, समझ गए? पंछीलाल क्या है? नहीं नहीं सर, हिंदी व्याकरण के हिसाब से पूछते हैं बंसी कौन है। अरे मनोज, मैं बॉक्स में क्या है ये पूछ रहा था, क्या है बॉक्स में? मैं बताता हूँ ना सर, मैंने सुबह ही सुना था गुप्ता जी को इससे कहते हुए कि इस बॉक्स में पासेज है, और गुप्ता जी ने सख्त मना किया किसी को बताने को। सर जी, सर इसीलिए चापलूस ना हमसे छिपा के लेके जा रहा है। किस चीज के पासेज है? सर ब्लू स्टार होटल में न्यू ईयर की बहुत बड़ी पार्टी है, उसी के पासेज है। सर पार्टी में फेमस हीरोइन कोयल कपूर जी का डांस भी है। सर ये मैं वापस दे दीजिए। सर गुप्ता जी ने इससे कहा है कि ये पासेस क्लाइंट के लिए हैं। और सर हमें तो छूने के लिए भी मना किया है। क्या? हमें छूने से भी मना किया है? इसका क्या मतलब? जाओ 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 तुम, यही हमारी जिंदगी है। वैसे आप इस बार न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं? अरे अरे मैं तो 3 साल बाद न्यू ईयर बरेली में मनाऊंगा। हाँ, अपनी फैमिली के साथ। हाँ तो बस हम हर साल की तरह इस साल भी मम्मी पकौड़े बनाएंगी, फिर हम सब मिलकर रात में बॉनफायर जला के उसके आसपास गाना गाएंगे, मस्ती करेंगे। अरे वाह सर, सर मैं भी अपनी फैमिली के साथ ना यही करने वाली हूँ, और मम्मी ना मस्त देसी घी के लड्डू बनाएगी। अच्छा, अरे सर मैं तो हर साल की तरह इस बार भी मस्त खाना खा के सो जाऊंगा, यही है हमारी जिंदगी सर। ये न्यू ईयर भी कोई न्यू ईयर हुआ? मुझे तो रोना आ रहा है सर। अरे मत रो मनोज, हमारी किस्मत ही फूटी है, तू तो जानता ही है। तुम दोनों दुखी मत हो, हम भी पूरी दुनिया की तरह इस बार न्यू ईयर पार्टी करके ही मनाएंगे। पर सर वो कैसे, गुप्ता जी ने हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं है। अरे रे रे, 10 दिन के ना अमेरिका भाग जाने की सोच रही हूँ मैं। कितना खर्चा आएगा? तुम्हारे पास कितना है छोटेला? मेरे पास पूरे 256 रुपए। जा सकते हो? हाँ, कैसे? बस आंखें बंद करो और ख्यालों में चले जाओ। जब आप मजाक कर रहे हो। मैं मजाक कर रहा हूँ? वैसे तुम्हें भागना क्यों है? अरे भैया जी, न्यू ईयर की पार्टी पे सब लोग ढिंचक ढिंचक गाने सुन के डांस करते हैं, और मैं ना अपनी बीबी के खर्राटे सुन सुन के दीवारों में सर फोड़ता हूँ। बड़ा ही फरस्टिया गया हूँ भैया जी। फरस्टिया तो मैं भी गया था छोटेलाल। मेरी बीबी के खर्राटों की आवाज आपके घर तक भी आती है क्या? मेरे को पहले ही शक था। अरे जनरेटर की तरह आवाज है जो निकालती है झल्ली। अरे नहीं छोटेलाल, अरे छोटेलाल गुप्ता जी न्यू ईयर की पार्टी दे रहे हैं। हाँ, और उसमें वो फेमस एक्ट्रेस कोयल कपूर जी का डांस भी है, पर हमें नहीं बुलाया। तो आपने बात ना करी क्या गुप्ता जी से? नहीं ना छोटेलाल, पर गुप्ता जी तो गुप्ता जी है। सर आगे बढ़ो नहीं थे। सर लगता है गुप्ता जी आपको चिनिया बादाम बेचने वाला समझ रहे हैं। सर मैं मानव हूँ सर, मानव मोहरा सर। क्या है भाई, ऐसे खड़े क्यों? सर हम पूरे साल बहुत मेहनत से काम करते हैं सर। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ। नहीं नहीं सर, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो सर न्यू ईयर पार्टी के पासेस चाहिए सर, हम भी कोयल कपूर जी का डांस देखना चाहते हैं। क्या कहा था इन लोगों ने, न्यू ईयर के पासेस, फेमस हीरोइन कोयल कपूर जी का डांस देखोगे तुम? जी सर दूंगा दूंगा, जरूर दूंगा। तुमको टाइप करना आता है? हाँ सर मुझे आता है ना, बताइए क्या टाइप करना है। तो टाइप करो, मैं बोलता हूँ। सर मैं आपका लैपटॉप यूज करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तीनों ही टाइप करना। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। तीनों लिखना। हाँ सर। मैं मानव मोयरा, मैं मनोज तिवारी, मैं रेशम शर्मा अपनी अपनी जॉब से इस्तीफा देता हूँ। लिखो। क्या 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 सर, ये क्या कह रहे हैं सर? लिख लेना आराम से, मैं तब तक सो लेता हूँ। कोयल कपूर का डांस। अरे रे रे, हाय। भैया जी आप ना बड़े ही बोले हो, आपकी जगह मैं होता ना तो एक प्रयास तो जरूर करता। अब इतना भी भोला नहीं हूं मैं छोटे लाल। क्या मतलब? मैं भोला से शोला बन जाता हूँ जब कोई मेरी इंसल्ट करता है। सर अब क्या करेंगे?
हम न्यू ईयर पार्टी में जरूर जाएंगे मनोज। कैसे? अरे नकली है प्लास्टिक का। पर सर इससे हम पार्टी में कैसे जाएंगे? यही तो प्लान है। अपने पास से जुड़ाओ, जल्दी करो मनोज। अरे सर अभी बहती गंगा में हाथ धोइए। मैं तो 5 पासेस लूंगा अपनी फैमिली के लिए और छोटे लाल के लिए। न्यू ईयर पार्टी के पासेस कपूर जी का डांस। यस अडिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका। भैया जी, भैया जी, लेकिन ये तो चोरी हुई। हाँ छोटे लाल, चोरी हुई, पर गुप्ता जी हमारी साल भर की मेहनत जो भूल गए। वेरी गुड भैया जी। डिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका। गुप्ता जी के सामने ऐसे करना चाहिए। अरे छोटे लाल चलो अच्छा है, खुश तो हो? भैया जी बहुत खुश हूँ। कम से कम इस न्यू ईयर पार्टी में जाके ना मेरा गधा जन्म तो छूट जाएगा। सब मिलके चलेंगे। डिक चिका डिक चिका। हाँ छोटे लाल सब मिलके चलेंगे। हाँ बड़े भैया इस बार तो न्यू ईयर हैप्पी वाला होगा। अरे पिताजी, अरे निकल जा यहाँ से। अरे पर बात क्या है? अरे हम कह रहे हैं अभी भी जान बचा के समय है, निकल जा। ये ना भैया। हाय बच्ची आ गई। अरे सुबह से कूली बना के रखा हुआ है हमने, प्याज आलू बैंगन सब कुछ छील के धो चुके हैं सुबह से। अरे हमारी छोड़, पिताजी की हालत देख। अरे भगवान हमारे छोटे भाई की रक्षा करना। बूढ़े बाप की मदद कर दे बेटा, तेरी माँ सुबह से बेसन छनवा रही है। पर अब तू भी फंसा। क्या हुआ? नहीं, लल्ला अभी ऑफिस से आया है, वो कुछ नहीं करेगा। आप हाथ चलाते रहिए। अरे छनते छनते ना स्वर्गास हो जाएगा हमारा। कुछ भी बोलते रहते। माधव लल्ला जा जरा 10 किलो लकड़ी लेके आ। किसके दाह संस्कार के लिए भगवान? अरे नहीं जी, नए साल को रात को आग जलाने के लिए। अरे तू बैठ कह रहा है, जा जल्दी। हाय देवर जी। हाँ भाभी। इस बार नए साल में हम आलू के, प्याज के, मूली के, बैगन के, पालक के सबके पकौड़े बनाने वाले। हमारे दिमाग के पकौड़े तो बन ही चुके हैं। कुछ कहा आपने रोहन के पापा? नहीं, वो हम कह रहे थे कि वो लकड़ी लानी है तो थैला दे दो पमोरानी। हाय हाय अभी देते हैं ना। बाप रे सब लोग तो नए साल की बड़ी घनघोर तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी पार्टी की बात करूंगा और मम्मी ने मना कर दिया तो तेरा भी पता कट जाएगा मानो बेटा, कुछ सोचना होगा। हाँ लल्ला लल्ला तू हाथ मुंह धो ले, हम खाना लगाते हैं। हाँ चलो भी, हमें भी बहुत भूख लगी है। पहले एक काम तो खत्म कीजिए। ये लीजिए। पिताजी आप जानते हैं इस बार नए साल के लिए सातों मोहल्ले के लगभग सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं। फसा सातों मोहल्लों? पापा मेरे भी दोस्त पार्टी में जा रहे हैं। और मेरे भी। मानव
तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? ले 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 ले, पानी पानी पी, पानी पी। शुक्रिया भैया। अब मम्मी के हाथ के पकौड़े, घर वालों के साथ मजा, और क्या भैया। हाँ, ये पाल्टी शाल्टी तो नए लोगों के चोचले हैं। दादी, पाल्टी शाल्टी नहीं, पार्टी शाल्टी होता है। हाँ वही, असली मनोरंजन तो घर के पकोड़े खाकर, आग जलाकर, गाना गाकर करेंगे, है ना? हाँ? और मैं तो डांस भी करूंगा ऋतिक रोशन जैसा। हाय हाय सासू माँ, वैसे ना ये पार्टी अलग ही होती है। हमने टीवी में देखा है, वो ना जुगनू वाले बल्ब जलते हैं और ना उसमें नाच गाना होता है और लोड स्पीकर भी होता है, भीड़ होती है, शोर शराबा होता है। बहू और बहू शराब भी होती है। हाँ, और मंचने लड़के लड़कियों को छेड़ते भी है। अच्छे घर के लोग ऐसी जगह पे नहीं जाते, समझी? जी 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 सासू माँ, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। हाँ हाँ, हम जानते हैं, हमारे घर के सारे लोग ना हमारे घर के पार्टी के लिए उत्साहित हैं। हाँ। अरे भाई, इतना काम किया है तो उत्साहित नहीं होने का फायदा क्या है? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें तो साल भर इंतजार रहता है दिन भर तुम्हारे हाथों पीसे जाने का। मतलब है कि त्योहार मनाने का, वो तैयारियां करने का। हाँ, मुझे भी मम्मी, मुझे भी। देखो सब कितने शरीफ है इस घर में। देख तो हम रहे हैं सबको मम्मी, कौन कितना शरीफ है और कौन कितना बदमाश। हाय रोहन के पापा, कौन है बदमाश? पापा यही हो सकता है क्योंकि कल इसने मेरा पेंसिल बॉक्स तोड़ा। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, चुप कर, तूने तोड़ा है। नहीं, तू तोड़ी है, तू। हमने नहीं तोड़ा भाई कुछ, हमने कुछ नहीं तोड़ा। हम जानते हैं, कोई तो है जो पार्टी में जाने की योजना बना रहा है। है? कौन है भाई? भाग्यवान, सोच तो सभी रहे हैं, चिंता मत करो, तुम तो पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू करो बस। अरे, ये तो मेरी स्कूल वाली अंजलि है, बहुत खूबसूरत हो गई है, बचपन से इस पे मुझे क्रश था। मानव, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। कैसा राज भैया? तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात तुम हमसे छुपा लोगे? अरे भैया, इस बात को तो सालों हो गए। मतलब तू इतने सालों से उसके पीछे पड़ा है? नहीं भैया, मैं कोई छिछोरा हूं जो किसी के पीछे पड़ूंगा? तो फिर उसकी टिकट क्या कर रही थी तेरे जेब में? टिकट? अरे अंजलि की टिकट मेरी जेब में कैसे आएगी? अरे कौन अंजलि, हम तो उस पार्टी वाली कोयल कपूर की बात कर रहे हैं। करने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। मानव, हमें तो लगता था कि तुम एक शरीफ लड़के हो। आपको गलत लगता है? हैं? अरे भैया, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको गलत लगता है कि मैं उस न्यू ईयर पार्टी में जा रहा हूँ। अरे मैं तो पास सबके ले लाया था। हाँ, पर अंदर जो घनघोर तैयारी चल रही है ना न्यू ईयर पार्टी के लिए, उसका देख कर मैं चुप ही रहा। वैसे भी मैं और भाभी के पकौड़े छोड़कर जाऊंगा कैसे? तेरे पास और पासेस है? हाँ। तो इस पार्टी पे जाएंगे तुम और हम? नहीं नहीं भैया, एक न्यू ईयर पार्टी के लिए जान का जोखिम कौन लेगा? तुम और हम? अरे भैया, मम्मी से मुझे बचपन में पिटवाने की आदत आपकी गई नहीं है, मजाक मत करिए। अरे हम मजाक नहीं कर रहे। अरे तो फिर इतना जानलेवा प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? देख मानव, बचपन से हमने कभी इतनी बड़ी पार्टी तो देखी नहीं। उसके बाद शादी हो गई और मम्मी और मम्मू रानी के बीच में आटा चक्की पीसते रहे। अपना बड़ा मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हम तो न्यू ईयर पार्टी के मजे उठाएंगे। हाँ भैया, मजा तो जरूर आएगा, पर वैसे भी वो फेमस कोयल कपूर जी का डांस भी है। अब तू कर रहा है ना कुंवारे जैसी बात। हाँ भैया, लेकिन न्यू ईयर पे ऐसे घर वालों को छोड़ के? अरे हम घर वालों को छोड़ थोड़ी ना रहे, बस थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे अपने मजे मस्ती के लिए। देख मानव, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम दोनों जाएंगे, तुझे तेरे बड़े भाई की कसम। कसम? आप भी कसम दे रहे? मम्मी की बीमारी ना सबको लगती जा रही। तू फिक्र मत कर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पिताजी,
ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा हमें लगता है कि तेरी माँ है ना जानबूझ के हमको पति होने का दर्द देती है ऐसे ऐसे काम देकर। प्याज काटिए। अरे नहीं 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 भैया भैया ये प्याज हम खुद काटेंगे भाई, हमें प्याज काटना बहुत पसंद है। दीजिए लीजिए ये देखो। और हेलो गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी मानव का फोन नहीं लग रहा इसलिए आप हमें कर रहे हैं। बताइए बताइए क्या बात है गुप्ता जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें? नहीं 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 गुप्ता जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे गुप्ता जी कल तो नए साल की रात है, कल मानव काम पर नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कल तो हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर नया साल मनाएगा ना। नहीं नहीं वो कल नहीं आ पाएगा। क्या गुप्ता जी आप फिर से मानव को नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हैं? ये सही नहीं है गुप्ता जी ये। ठीक है गुप्ता जी मानव बाद में सोचकर बताएगा आपको, फोन करेगा वो आपको। ओ गुप्ता जी नए साल के दिन में भी मानव लल्ला से काम करवाएंगे? हाँ कोई दया वया है कि नहीं उनमें? हाँ नहीं तो लेते ही गुप्ता जी। अरे भाई भाग्यवान हम क्या कह रहे हैं कि गुप्ता जी मानव के बास है। हाँ तो मन में आएगा वैसे काम करवाएंगे का? अरे हम कह रहे हैं कि अगर गुस्से में आके गुप्ता जी ने मानव का तबादला कहीं वो अंदमान निकोबार कर दिया तो मनाते रहो नया साल। पिताजी ऐसा भी हो सकता है क्या? वो तो सकता है। हाँ, हाँ, इसका मतलब मानव लल्ला नए साल के रात में हमसे दूर जाएगा। अरे भाग्यवान हम क्या कह रहे हैं, देखो वैसे भी मानव लल्ला जो है 3 साल लखनऊ में रहा तो कौन सा हमारे साथ नया साल मना रहा था। लेकिन अभी बैसाखी दिवाली है साथ में मनाने के लिए है वैसे। अरे पम्मू रानी सुबह से काम करवा रही हो, अब तो जाने दो। है रोहन के पापा पर साफ तो हो जाने दो। अरे पर हमें लेना है नींद का सुख। पर हमें हो रहा है दुख। दुख? किस बात का दुख? नए साल की रात का। अरे पर नए साल की रात पे तो हम पकोड़े खाएंगे। हाय है पर देवर जी नहीं रह पाएंगे। मानव तो है दफ्तर वाला। हाय हाय ये कैसा सितम है गुप्ता जी ने ढाला। इसलिए शायद मानव ने हमें साथ देने के लिए बुलाया था। हाय है रोहन और परी के पापा देवर जी ने आपको अपने साथ बुलाया था, किस चीज में उनका बुलावा आया था? वो कह रहा था कि भैया आप आ जाना रात में मेरे दफ्तर, मैं अकेला पड़ जाऊंगा ऐसा कुछ कह रहा था वो। हाय हाय रोहन और परी के पापा फिर आपने क्या कहा? अरे पम्मो रानी हमने तो कर दिया मना, हमने कह दिया कि हम तो अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, तुम बुला लेना अपनी किसी सहेली वहेली को। रोहन के पापा पर चाहे जो भी हो जाए आप देवर जी का साथ देने उनके दफ्तर जरूर जाएंगे। पर हमारे बिना तुम और बच्चे अकेले पड़ जाओगे। हाय रोहन के पापा पर हमारे साथ तो सब है ना, आप देवर जी के साथ नया साल मनाओगे। ठीक है पम्मू रानी जैसी आपकी मर्जी, अब तो हम करेंगे पार्टी में मन मर्जी। क्या कहा मन मर्जी? पानी लाना जल्दी। अरे मानव तेरी वजह से हमारी नींद उड़ गई है? क्या भैया क्या मैं इतना डरावना हूँ कि मुझे देखकर आपकी नींद उड़ जाती है? अरे नहीं मेरे भोले भगत वो तेरी पार्टी की वजह से। अरे ऐसे ऐसे सपने सजाए हमने। अच्छा है भैया पर तू ये मूली के सूखे हुए पत्ते की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठा? ऐसे ही भैया। भैया जी पार्टी का क्या हुआ? वो पार्टी का क्या हुआ? आपका पेट खराब था ना? अरे छोटे लाल। अरे कान खजूरे हम जानते हैं पार्टी के बारे में। क्या मतलब कौन सी पार्टी? सर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? अरे हम भी चलेंगे तुम्हारे मानव सर के साथ पार्टी में। सच माधव भैया तो डांस बनता है माधव भैया। माधव भैया कोयल कपूर जी का डांस तो था वहाँ पे। हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं, पहली बार देखेंगे। सच्ची माधव भैया शादीशुदा तो हम दोनों हैं, तो ये भैया जी ने काहे को शादीशुदा जैसा मुंह बना रखा है? अरे ये उदास है। अरे मानव देख मानव तू अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा रहा है, बस थोड़ी देर के लिए उनसे छुट्टी ले रहा है थोड़े मजे करने के लिए। देख जब तक तू कुंवारा है जी ले अपनी जिंदगी। सही है सही है सही है सर, अब जरा मुस्कुरा भी दीजिए, बड़ी महंगी हो गई हंसी। अरे अरे ठीक है 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 चलेंगे ब्लू स्टार होटल में।
कोयल कपूर जी को भी देखेंगे, साथ में हम भी थोड़ा नाच लेंगे। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है और हम 2 किलो प्याज काट चुके हैं।